हकीकत उसके सामने है, उसको देखे। दूसरी बात यह भी मालूम हुई, अल्लाह के रसूल ने जब यह फरमाया ला यज़ुर्रुहु मन खज़लहुम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मति ज़ाइनीन अल-हक़, मेरी उम्मत की एक छोटी जमात हक को पकड़े रहे कयामत तक, उनको उनसे दुश्मन नहीं करने वाले उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसे बहुत समझ में आई। आप समझिए कि साहब नमाज पढ़ते ही नहीं थे या गलत सलत नमाज पढ़ते थे, कोई आपको ताने देने वाले नहीं मिले। नमाज किताब और सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग ताने देंगे। भाई क्या आदमी खड़ा था खड़े ही हो जाता है, और चले झुकता है तो झुकते ही रह जाता है, और साहब सजदे में जाता मालूम करते दम निकल गया इसका। सुन्नत के मुताबिक आप नमाज पढ़ेंगे, बड़े ताने मिलेंगे आप। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इनको कोई परवाह नहीं होगी। आप अगर यहां रहते हुए किताब और सुन्नत पर अमल किए, जब जाएंगे घर को और किताब और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ेंगे, सबकी निगाह आपकी तरफ होंगी। ये कहां से आ गई, ये कब से करने लगा? पूछने लगा रे कहां जी उड़ रहे थे, पर पार मार रहे थोड़े नहीं क्या? क्या क्या ताने देंगे जी, कितने ताने देंगे? कहते तो है लोग अल्लाह को मालूम कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे साहब किसी जगह, वो हालांकि जिस साल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए उसी साल इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। हो सकता है इमाम शाफी के साथ हो या किसी और के साथ वास्तव पैसा हो। कहा कि साहब हनफी जगह जाकर नमाज पढ़े मस्जिद में, उस जमाने में हनफी शाफी तो थे नहीं, लेकिन अपने इमाम को की बात को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। हमारे इमाम ने जो कहा वही सही है। रफूल इधन करके पूछा, उनसे पूछा कहाँ जी उड़ना चाहते थे, बार बार पर मार रहे थे? नहीं पर उड़े नहीं। कहा जहाँ पहली मरतबा आप लोग पर मारे वही मैं भी उड़ना चाहता था। तो रफूल इधन के बार कैसे तुम लोग कहते हो? तो देखिए ताने बहुत मिलेंगे। अगर आपको टखने के नीचे पाजामा लीड़ा कर चलते थे खवातीन औरतों की तरह, कोई अब से कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप जब जाके इंडिया में पाकिस्तान में टखने से ऊपर अपना ये पहनेंगे पैंट पहनेंगे, लोग बोले क्या जी कपड़ा कम हो गया क्या, क्या जी तुम्हारे छोटे भाई का पैंट पहन लिया क्या, क्या जी पुराने जमाने से लेकर क्या ताने देंगे जी? हाँ लाई अजुर मन खदल हूं। अरे तुम कुछ भी कहो जी, हमको अल्लाह के रसूल मिल गए तो बस, हमको दूसरी किसी चीज की जरूरत नहीं, हमको तो अल्लाह के रसूल चाहिए। कैसे दाढ़ी आपकी नहीं थी, कोई कौन कहने वाला नहीं था, दाढ़ी रखे गए और जरा लंबी दाढ़ी थी, ये तो वहां बड़ा मालूम होता है। ये बदल गया वहां जाके दीनार और दिरहम के बदले दीन बेच के आया, ये क्या क्या ताने देंगे जी? अल्लाह होगा इसे, लेकिन इनको क्या परवाह है? मस्जिद से निकाल दिए तो भी कोई परवाह नहीं इनको, और निकाले जाते थे किसी जमाने में मस्जिदों से इंडिया के अंदर, जो भी आमीन बोला ठंडे पानी में सर्दी के दिनों में हौज में डुबा देते थे। आमीन बोला खुला किया, और किसी ने तशहुद में उंगली हिलाई तो उंगली काट दी। ये सब हुआ ना, क्या मतलब खत्म हो गया, क्या मसला खत्म हो गया? किताब सुन्नत पर अमल करने वाले खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बढ़ते ही जाते। इसको देख के और भी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही थी, ये क्या भी हमसे कटते जाते हैं, दूसरों से जुड़ते जाते हैं, हमारा मफाद मार खाता है, बड़ी परेशानी। तो सलफ सालिहीन का मसलक सीखना चाहिए, उनका तरीका क्या था।